लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई कांग्रेस के सीनियर लीडर रमाकांत मात्रे ने आज एनसीपी नेता नामदेव भगत पर तगड़ा पलटवार किया। रमाकांत मात्रे ने कहा कि नामदेव भगत को कांग्रेस पार्टी ने उतना दिया जितना कि कोकंग क्षेत्र में नारायण राणे को मिला, फिर भी भगत ने पार्टी के साथ गद्दारी की। दरअसल नामदेव भगत ने दावा किया है कि वे जब चाहें कांग्रेस पार्टी को तोड़ सकते हैं। इस पर रमाकांत मात्रे ने चुनौती दी कि यदि हिम्मत है तो नामदेव भगत कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़कर अपने साथ ले जाकर दिखाएं। कांग्रेस नेता ने भगत की काबिलियत पर भी सवाल उठाया और कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की विचारधारा पर चलते हैं, इसलिए कांग्रेस कभी खत्म नहीं होगी। देखिए रिपोर्ट। आज मैं चाहूं तो कांग्रेस के 70-60-70% लोग मैं राष्ट्रवादी मिला सकता हूं। चैलेंज करता हूं 100% क्या बोल रहे हैं, 100% लेके जाओ कांग्रेस पार्टी। वो इतने बड़े समझते हैं, आप खुद को नेता समझते हैं, तो 100% ही लेके जाओ ना। और कांग्रेस आज है वैसी की वैसी ही रहने वाली है। जो भी पद मिला वो कोई देते गया। आज देश में ही मैं आपको बताता हूँ कांग्रेस की हालत कैसी बुरी है। वो आरोप कर रहे हैं तीनों ने किया, तो जब भी वो भी अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया वो बताओ आप। नवी मुंबई मनपा चुनाव शुरू होने से पहले ही एनसीपी और नवी मुंबई कांग्रेस के बीच जुबानी जंग गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में आए नामदेव भगत ने पुराने कांग्रेसियों की नियत और कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए हमला बोला था, जिस पर कांग्रेस नेता रमाकांत मात्रे ने आज पलटवार किया। उन्होंने कहा कि नामदेव भगत एक स्वार्थी नेता हैं और स्वार्थपूर्ति के लिए पार्टियाँ बदलते रहते हैं। रमाकांत मात्रे ने तंज कसा कि कांग्रेस ने भगत को नारायण राणे से भी ज़्यादा दिया, फिर भी उन्होंने पार्टी के साथ दगाबाजी की और शिवसेना में चले गए। शिवसेना छोड़ी तो 8 दिन कांग्रेस में रहे, अब एनसीपी के साथ हैं। रमाकांत मात्रे ने कहा कि ऐसे स्वार्थी नेताओं के जाने से नई मुंबई कांग्रेस और साफ सुथरी हो गई है, इसलिए ऐसे लोगों के आरोप लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नामदेव भगत अभी जिस पार्टी में है उनको मैं शुभकामना देता हूँ। जो आरोप करने वाले नेता है उनको कांग्रेस पार्टी में, हमारे हिसाब से कांग्रेस में नारायण राणे साहब थे, उनको जितना दिया उससे ही ज़्यादा बढ़कर कोंकण रीजन में हमारे मित्र को दिया, और वो देने के बावजूद 8 साल सिडको डायरेक्टर, जिला अध्यक्ष, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मेंबर, चुनाव हारने के बाद कॉप्शन, जिलाध्यक्ष जाने के बाद जनरल सेक्रेटरी, जो भी पद मिला वो उनको ही देते गया, और उतना बोलने के बावजूद वो पार्टी छोड़ के शिवसेना में प्रवेश किया। ऐसे आदमी के बोलने से कुछ मतलब नहीं हो रहा है, क्योंकि जे ऐसे लोग जो स्वार्थ के लिए आते जाते हैं, इससे कांग्रेस का सर मेरे हिसाब से बहुत ऊंचा हो गया है, ऐसे मैं मानता हूँ। दरअसल नामदेव भगत ने नई मुंबई कांग्रेस की बर्बादी के लिए जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक, संतोष शेट्टी और रमाकांत मात्रे को जिम्मेदार ठहराया था। इस पर रमाकांत मात्रे ने याद दिलाया कि कांग्रेस की सबसे अधिक बर्बादी नामदेव भगत के दौर में हुई। वे 2005 और 2010 में जिलाध्यक्ष होकर भी मनपा चुनाव बुरी तरह हार गए। मात्रे ने संगीन आरोप लगाया कि नामदेव भगत ने उस कांग्रेस को पतन की ओर पहुंचा दिया जिसे अनिल कौशिक ने 16 नगर सेवकों से 24 पर पहुंचाया था। रमाकांत मात्रे ने यह भी खुलासा किया कि एनसीपी में खुद का पैर जमाने के चक्कर में ही नामदेव भगत कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। कॉरपोरेशन चुनाव की बात कर रहे हैं बेलापुर और ऐरोली की, आपको पता है कि वो 2005 में गिरे थे, फिर 2010 में गिरे थे, तभी तो अध्यक्ष थे। तो ऐसे आदमी से बोलने से ऐसा कुछ होता नहीं है। वो आरोप कर रहे हैं तीनों ने किया, तो जब भी वो भी अध्यक्ष थे उन्होंने क्या किया वो बताओ आप। कौशिक जब अध्यक्ष बने थे तभी कौशिक ने हमारा 16 से 24 किया था, बाद में नामदेव भगत अध्यक्ष बन गए, फिर कम होते होते ही जा गया है ना, तो इसके मतलब ये दम नहीं है। वो अभी जो हमारे पार्टी में आए थे 8 दिन
छोड़ के गई, क्योंकि उनका पहले ही तय था कि हमको राष्ट्रवादी में जाना है। वो आजकल खाली भभा कर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश, कल उठ के उनको राष्ट्रवादी में कुछ नहीं देगा। तो देखो आप आगे की कॉरपोरेशन का जब भी चुनाव होएगा तभी आप देख लो वो कहाँ कौन सा पार्टी में जाने वाले या रुकने वाले हैं। उधर वो सिर्फ जो भी वो आरोप करते हैं खुद का स्वार्थ के लिए करते हैं। रमाकांत मात्रे ने नवीन भाई कांग्रेस को तोड़ने वाले नामदेव भगत के बयान पर भी घेराबंदी की और चुनौती दी कि जो लोग ऐसा मंसूबा रखते हैं वे कभी सफल नहीं होंगे। रमाकांत मात्रे ने कहा कि यदि नामदेव भगत खुद को वाकई बड़ा नेता मानते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को तोड़कर और NCP में मिला कर दिखाएं। मात्रे ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता किसी व्यक्ति के साथ नहीं है बल्कि पार्टी की सर्वधर्म संभाव की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, इसलिए कोई लाख चाहे कहीं नहीं जाएंगे और नवीन भाई कांग्रेस जैसी है वैसी ही बनी रहेगी। उसको चैलेंज करता हूँ 170 क्या बोल रहे हैं 100% लेके जाओ कांग्रेस पार्टी। वो इतने बड़े समझते हैं, आपने खुद को नेता समझते हैं तो 100% ही लेके जाओ ना। ये ऐसा बात कोई नहीं, कार्यकर्ता आज आप देखो 99 से मैं देख रहा हूँ, उसके पहले से देख रहा हूँ। जब भी राष्ट्रवादी अलग बनी तभी जो शुरू में कार्यकर्ता थे वो आज भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस से विचारधारा से कार्यकर्ता जुड़े, किसी व्यक्ति के नहीं, व्यक्ति के पीछे कभी कोई गया नहीं। जो गए वो स्वार्थ के लिए गए। मेरा यही मानना है कि हमारा जो कांग्रेस का वर्कर है वो इंदिरा जी सोनिया जी, राजीव जी गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनके विचारधारा से जुड़े है, सर्वधर्म समभाव से जुड़ा हुआ, वो कौन सा भी दूसरा पार्टी में जाने का कोशिश नहीं करेगा। और कांग्रेस आज है वैसे की वैसी ही रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।